कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब हम जानेंगे कि अगर ये जनरल फॉर्म का हमारा पॉलिनोमियल हो तो उसके जीरोस के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो हमारा जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल इन एक्स का, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसका पावर 2 है, तो इसके जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो या तो x इज इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन और x इज इक्वल टू बीटा इज द सॉल्यूशन। सो वी कैन से दैट x माइनस अल्फा इज 0 और वी कैन से x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जनरल इक्वेशन है वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ है प्रोडक्ट के, जैसे एक्स माइनस बीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा। हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको जैसे हम ओपन कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों टर्म में से हम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं और के मल्टीप्लाई हो रहा है तो के इंटू एक्स और इंटू ब्रैकेट चला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और आखिरी में बचेगा आपका के मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको क्या दिखता है कि ए की वैल्यू कितनी है, के। सो ए इज इक्वल टू के। सिमिलरली व्हेन आई कंपेयर दिस इक्वेशन I get that the value of B is K multiplied by alpha plus beta. और सिमिलरली हम जब कॉन्स्टेंट को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, C is equal to K into alpha into beta. अब जैसे कि ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, आपका सम ऑफ जीरोस। तो अगर ये K को यहां डिवाइड कर देंगे तो हमें सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटर्न एज B अपॉन K. और इट इज माइनस के, तो आपका यहाँ पे माइनस के आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू था, बी की वैल्यू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि के क्या है, दैट इज सेम एज ए, सो माइनस बी अपॉन ए इज द रिलेशन ऑफ सम ऑफ जीरोस विद द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे आप जब अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं तो उसे कैसे लिख सकते हैं, सी अपॉन के, अगेन के इज इक्वल टू ए, so we can say product of zeros is equal to constant term divided by coefficient of x square. So this is the relationship which you can see in each and every quadratic polynomial. Hope आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे।